शीट नंबर 26 में क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें करेक्शन है, ये आंसर 225 आ रहा है, बिल्कुल सही है। तो मैंने बताया था कि स्ट्रीम ऑफ वाटर है और हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है विद अ स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी की वैल्यू गिवन है 15 मीटर पर सेकेंड, पुशेज द ट्यूब ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया। तो एरिया की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है कितनी, 0.001 मीटर स्क्वायर, और एक दीवार को हिट करता है। मैंने बताया था जब एक लिक्विड ट्यूब में से बाहर निकलता है तो एफ का फॉर्मूला क्या होता है, डीपी बाई डीटी से स्टार्ट करते हुए, क्या शॉर्टकट बताया था कि जब आप इसमें पी को एम इन टू वी लिखते हैं तो वेलोसिटी कांस्टेंट है और डीएम बाई डीटी, याद है ऐसा कुछ किया था आपने, नोट भी किया था ये। तो इसके अंदर वेलोसिटी इनटू मास का मतलब क्या है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो न्यूमिनेटर में मास का मतलब वॉल्यूम इनटू डेंसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, ये सिखाया था, मास का मतलब वॉल्यूम इनटू डेंसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। लेकिन ये टर्म क्या है, वॉल्यूम बाय टाइम, वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड का फॉर्मूला लिखवाया था, एरिया इनटू वेलोसिटी। तो आप यहाँ पर पुट करें वेलोसिटी इनटू वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड की जगह एरिया इनटू वेलोसिटी इनटू डेंसिटी। तो वेलोसिटी की वैल्यू पता है 15 है, एरिया का मतलब 0.001 है, वेलोसिटी का मतलब 15 है, और डेंसिटी वाटर है, वाटर की डेंसिटी कभी गिवन नहीं होती, याद करनी है 1000 होती है केजी पर मीटर क्यूब एसआई सिस्टम में। आंसर 225 आंसर आएगा। पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तो क्या करना है, तो हमने सीखा था कि अगर वाटर बाहर निकल रहा है तो वेलोसिटी कांस्टेंट है और डीएम बाई डीटी करना है। कितनों का हो गया था ये, ठीक है। तो लिक्विड वाले सारे क्वेश्चन इसी पैटर्न पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, कितने लोगों को डाउट है किसमें, 10^-5 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो इसमें क्वेश्चन है कि एक बैलून है, कर देता हूँ मेथड यही अप्लाई किया, देखो एक बैलून है जिसका मास कितना है, 10 ग्राम है, तो मैं भी केजी में कन्वर्ट कर लेता हूँ, इतना मास है इसमें एयर का, एयर एस्केप कर गई नीचे की तरफ विद अ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी ऑफ 5 cm/s, का मतलब v इज इक्वल टू 0.05 मीटर पर सेकेंड, एयर निकल रही है, पूरा का पूरा बैलून 2.5 सेकेंड में खाली हो जाता है, आपको फोर्स बतानी है, मैंने आपको ये भी बताया था सेम कॉन्सेप्ट है। तो जब आप फोर्स निकालते हो इसमें वेलोसिटी कॉन्स्टेंट है एयर की या वाटर की, तो डीएम बाई डी टी वेलोसिटी कितनी है 0.05, कितना मास खाली हो रहा है एयर का 10^1000, और कितने समय में खाली हो रहा है 2.5। तो मैंने सब कुछ ऐसा ही यूज़ किया, आंसर न्यूटन में आएगा। तो पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहाँ तक, मास की जगह मास ऑफ एयर, टाइम की जगह कितनी देर में बैलून खाली हो रहा है, और वेलोसिटी आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा, ठीक। ठीक है, मेथड समझ में आ रहा है, एयर या लिक्विड के क्वेश्चंस कैसे करने हैं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट 12th क्वेश्चन, बुलेट्स वाला लास्ट टाइम किया था हमने, जब बुलेट्स चलती हैं तो कितनी फोर्स लगती है वो हमने कर लिया था, नंबर ऑफ बुलेट्स वाला क्वेश्चन, ठीक है।